नमस्कार, आप देख रहे हैं जे एन आई न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। प्रयागराज से बड़ी खबर। आपको बता दें, सावन तीसरा सोमवार को जे एन आई न्यूज परिवार के वरिष्ठ पत्रकार प्रयागराज संगम में लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कराते हुए मंदिर के पुजारी जी से खास बातचीत करते हुए और मंदिर कई वर्षों बाद गंगा माँ की असीम कृपा से संपूर्ण मंदिर को और लेटे हुए हनुमान जी को स्नान कराते हुए नजर आए। इस दृश्य को जेएनआई न्यूज टीम की बड़ी खबरें आप लोगों के सामने रखा गया है। आइए देखते हैं कुलदीप वर्मा की रिपोर्ट। क्योंकि काल का विजुअल आपका आया था हमारे चैनल पे, तो सोच रहे जब हमारी दर्शन हो गया तो हम भी आपसे एक बार मिल लें। यहाँ थोड़ा सा ऐसा लखनऊ से है हमारे चैनल पे, तो सोच रहे जब हमारी दर्शन हो गया तो हम भी आपसे एक बार मिल लें। यहाँ थोड़ा सा ऐसा लखनऊ से है। आपको बता दो, संगम में जो लेटे हुए हनुमान जी है, हनुमान जी का पुजारी जी हमारे साथ में है और गंगा माँ का गोद में हनुमान जी की तरह नहा रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि ये हमारा पंडित जी है जो हनुमान जी का सेवा में दिन रात 24 घंटा लगे रहते हैं और आज गंगा मैया हनुमान जी को गोद में लेटा के आज स्नान करा रहे हैं। ये पूरी तरह से आपको हम दिखा दिए। आज हमारे साथ में मंदिर का पुजारी जी, हनुमान जी का सेवक, बिल्कुल गंगा का माँ का गोद में कूद कूद के नहा रहे हैं। हम ये संदेश लेना चाहेंगे। पंडित जी, आपका परिचय देते हुए ये बताइए, माँ का गोद में तो हनुमान जी है ही है और हनुमान जी का छत्र छाया में आप हैं, आप भी उसी तरह से नहा रहे जैसे बाल्यकाल में हनुमान जी नहाते थे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारा आने वाला पीढ़ी को? देखिए, साल में हनुमान जी एक बार नहाते हैं, साल में एक बार हनुमान जी यहाँ नहलाते हैं। इस बार गुरुवार को करीबन 12:30 बजे हनुमान जी स्नान करते हैं और यहाँ पर हर जगह देखेंगे कि जल बढ़ता है तो आदमी लोग परेशान होते हैं और यहाँ पर ही खुशियाँ मनाते हैं और बहुत नहाते हैं लोग और हनुमान जी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। जैसे 2 साल से हनुमान जी कोरोना चल रहा है और ऐसा लगता है कोरोना खत्म हो जाएगा हनुमान जी स्नान करने में, तो यह कि आने वाला का जो समय रहेगा बहुत बढ़िया रहेगा, हनुमान जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। अच्छा, जिसे मैं लगातार 4-5 साल से आ रहा हूँ, अभी तक हमें इतना पानी का नहीं देखा। नहीं, इससे पहले भी मतलब 2013 में इससे ज़्यादा पानी आया था, 2016 में पानी आया था, इसके बाद इस बार 2021 ये मतलब 5-6 साल बाद आया है। 2 साल बाद आया, 6 साल भी ज़्यादा पानी आया। इसके बाद इस बार ऐसे हनुमान जी को नहाने के लिए तो हर साल आते हैं और लगभग ये कितना दिन रहेगा एक हनुमान जी? देखिए, जल बढ़ रहा है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से किस तरह से अलर्ट पे रखा गया? प्रशासन के ऐसा यहाँ के लिए हर जगह लोग लगा दी गई है, जैसे हनुमान जी का जो मंदिर है ये लगभग कितना वर्ष पुराना होंगे? 1600 वर्ष। अच्छा, ये जो हर साल में पानी आता है, जो गंगा मैया आता है, क्या इससे मंदिर का कोई क्षति वगैरह होती है? बहुत क्षति होती है, बहुत दुष्काल। अच्छा, मूर्ति पे कोई भी प्रभाव? मूर्ति पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आने वाला जो हमारा जो कोरोना महामारी चल रहा है, हो सकता है हनुमान जी कृपा ऐसी हो जाए कि इस बार से कोरोना आ रही, तो ये आप देखे बाल्यकाल का हनुमान जी का सेवक हमारा पंडित जी बिल्कुल गंगा मैया में उसी तरह से नहा रहे हैं जैसे हनुमान जी नहाया करते थे। आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए, ये वही हनुमान जी का सेवक है और कुंभ नगरी में संगम का किनारे माँ गंगा का गोद में लेटे हुए हैं हनुमान जी और उसी गंगा में लेटे हुए हनुमान जी का सेवक पंडित जी। हमारे साथ बने रहिए और पल पल की अपडेट्स आप देखते रहिए।